गुरु के बचनों को याद करो गुरु के बताए रास्ते पर आप चलो कि जिससे आप मंजिल तक पहुंच जाओ ये आपका मंजिल नहीं है कि आप अमेरिका से पहुंचे इंडिया आ गए इंडिया से अमेरिका चले गए आप लंदन ब्रिटेन चले गए फ्रांस चले गए यह आपकी मंजिल नहीं है आपकी मंजिल तो बहुत दूर है लेकिन सबके लिए दूर नहीं है साधक के लिए वही नज़दीक है जिनको तरीका मालूम हो गया उनके लिए नज़दीक है गुरु की दया गुरु के दया जिनके ऊपर हो रही है या हो जाए उनके लिए बहुत नज़दीक है और नहीं तो दूर है तो आप तो दूर का सफ़र माल करके और चलते रहो जैसे कोई पथिक है यात्रा करने वाला है रास्ता चलने वाला है और उसको ये मालूम हो जाए कि भाई हमारी यात्रा बहुत दूर है हज़ार किलोमीटर हमको जाना है तो सुबह जल्दी तैयार हो जाएगा और फिर अपना चलना शुरू कर देगा आप समझो कि जब ये मालूम हो जाता है कि समय लगेगा जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचना है लक्ष्य बनाता है जाना ही ज़रूरी है तो तैयारी कर देता है और धीरे धीरे अपना चलता जाता है मंजिल तक पहुंच जाता है देखो जो तो समझदार लोग होते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं वो चल पड़ते हैं कि दिन हमको पूरा मिल जाएगा सुबह जल्दी चल दें रात हो जाएगी तो रात मिलेगी और सुबह जल्दी चलेंगे तो पूरा दिन मिलता जाएगा रास्ते में तो समझदारी इसी बात में है कि आप जितने भी चाहे कम उम्र के हो चाहे ज़्यादा उम्र के हो और आप जिनको नामदान मिल गया आप लोग अन्य भजन ध्यान सुमिलन करना शुरू कर दो समझ लो कि भाई मंजिल हमारा दूर है हमारा घर दूर है जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला किस जीवात्मा को अपने मालिक तक पहुंचा दो वो मालिक हमसे बहुत दूर हैं तो आप लग जाओगे और अगर आप ये सोच लोगे कि अभी हम उड़ेंगे और फर्श से दो घंटे में पहुंच जाएंगे कार की जो दिन भर की दूरी है दो घंटे में पूरी हो जाएगी और हवाई जहाज़ कैंसिल हो गया हवाई जहाज़ बिगड़ गया तब तो आप वहीं के वहीं पड़े रह गए कोई आंधी या आ गई कोई बात हो गई तबीयत ही बिगड़ गई घर वाले ही मना कर दिए तो वो आप समझ लो कि यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे वहाँ पहुँच नहीं पाओगे चल पड़ोगे कोई विघ्न बाधा भी आएगी आपकी गाड़ी पंचर हो गई कहीं जाम लग गया कोई बात हो गई तो उम्मीद बनी रहेगी कि हम पहुँच जाएंगे लगे रहोगे आपको शाम को छः बजे पहुँचना है तो दस बजे पहुंच जाओगे ग्यारह बजे पहुंच जाओगे, चलोगे ही नहीं कैसे पहुंचोगे? इसलिए हमको मालूम है कि आप लोग जितने लोग सुन रहे हो सब लोग ध्यान भजन नहीं करते हो करना शुरू कर दो नाम धुनी तो आप करते हो उसमें भी सब लोग रोज़ नहीं उसमें भी गायब कर देते हो पूरा टाइम तक नहीं करते हो हर चीज़ का आपका समय निश्चित है और अमेरिका जैसे देश में एक एक मिनट की कीमत है तो आप अन्य चीज़ों की कीमत तो लगाते हो अपने ड्यूटी के पैसा कमाने की कहीं आने जाने की कीमत आप समय की लगाते हो लेकिन जो कीमती समय ये जीवन का है आपका इस काम में लगाने का उसमें आप नहीं लगा पाते हो तो इसमें भी टाइम लगाओ तो अभी तक तो आप बहुत से लोग जुड़ते ही नहीं थे न दोनों भी नहीं जुड़ते थे अब जुड़ने लगे तो समझ लो ये भी एक गुरु की दया हो रही है आपके ऊपर अब इसी तरह से आप ध्यान भजन में भी जुड़ने लग जाओ आप समझो घर में अगर नहीं कर पाते हो तो ध्यान भजन के लिए भी थोड़ा समय निकालो थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया करो आने समय लो या थोड़ा देर तक बैठ जाया करो ये तो आप लोग अपनी यानी बात एक दूसरे के सामने रख कर के निर्णय ले लो कि भाई सामूहिक रूप से ध्यान भजन भी थोड़े समय तक किया करेंगे शायद पंद्रह मिनट ही नाम धुनी के बाद ध्यान लगाएंगे पंद्रह मिनट ही भजन करेंगे या नाम धुनी को ही दस मिनट पंद्रह मिनट करेंगे बाकी ध्यान भजन में समय लगाएंगे तो आदत बनेगी आप समझो कि सुबह जब आपके यहाँ होता है तो आप उस समय पर एक दूसरे को फ़ोन कर दो एक दूसरे को बता दो कि भाई अब उठ जाइए ध्यान भजन का समय हो गया उसी समय एक आदमी कोई प्रार्थना बोलने लग जाओ दूसरे दोहराने लग जाओ पाँच मिनट का नाम धुनी बोल दो और उसके बाद में फिर सुमिरन पर बैठ जाओ और उसके बाद में ध्यान कर लो उसके बाद में भजन कर लो तो आदत बन जाएगी साप्ताहिक सत्संग की भी आदत डालो थोड़ी देर कोई कुछ सुना दे बता दे गुरु महाराज के जो संदेश हैं वाणी है उसको पढ़ करके सुना दो अब कुछ ज़्यादा समय आप देना शुरू करो आप की अब आदत बनी बैठने की अब आप समझो कि करने की आदत डालो तो जिससे आपका काम बने जिससे आपका जो लक्ष्य है जीवन का वो पूरा हो जाए